हाल ही में बीजेपी प्रवक्ता मुकुल शर्मा ने एक चैनल पर आकर इस्लाम धर्मगुरु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। 2014 से देश के अंदर जो अराजकता फैल रही है उसे पूरा देश देख रहा है। हालांकि मजबूत कानून न होने की वजह से कोई ना कोई अलग अलग धर्मों पर टिप्पणी करता हुआ नजर आता है, जो देश के लिए गंभीरता का विषय बना हुआ है। नुपुल शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पूरे देश का माहौल गर्मा गर्मी का हो चुका है। देश में शांति को भंग करने का काम इस प्रकार के लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। इस तरह की मांग अकोला MIM ने पुलिस प्रशासन को लिखी तकरार देकर की है। अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका रावत ने आश्वासन दिया है कि वह इस प्रकार के मामले को गंभीरता से लेंगे और उचित कार्यवाही की जाएगी। यह लेखी तकरार देते समय मोहम्मद मुस्तफ़ा, आसिफ अहमद खान, इरफान खान, इमरान खान, रब्बानी आदि उपस्थित थे। इसके अंदर हम लोग MIM की तरफ से MIM महानगर यूथ अध्यक्ष इरफान खान के नेतृत्व में, इमरान रब्बानी, आसिफ खान साहब के साथ में एक निवेदन देने पहुँचे। और निवेदन की मांग हमारी ये है कि जो बीजेपी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, इसने जो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो अभद्र टिप्पणी की है, इस पर गुनाह दाखिल करने के लिए हम यहाँ पे मांग लेके पहुँचे कि जो देश की एकता अखंडता को जो तोड़ना चाहती है, हिंदू मुस्लिम समाज के अंदर जो खाई बड़ी निर्माण करना चाहती है, ऐसी नुपुर शर्मा को हवालात के अंदर डालकर इसके ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि इसके आगे से कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। हम आप सरसम के खिलाफ में कोई भी गुस्ताखी किसी भी तरह की हम सहन नहीं करेंगे। इसके न्याय के लिए हम यहाँ पर आए कि सरकार की तरफ से उसके ऊपर गुनाह भी दाखिल होना चाहिए और उसको हवालात की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। विदर्भ न्यूज़ के लिए आसिफ खान, अकोला।